मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी खुशी हो गई है। जब हम छोटे थे, जब ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज यहाँ खेलने के लिए आया, हमें उस दिन भी मतलब दिमाग से बाहर हो गए, ये ऐसे लोग भी आ जाए, ऐसे क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर आ गए यहाँ खेलने के लिए। यकीन मान लीजिए, हम उस टाइम भी 3 बजे रात मैं खुद स्टेडियम में पहुंचा है। दाबू साहब था उस टाइम जो ये देखते थे पूरा स्टेडियम क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का। मैं खुद 3 बजे, 3:30 बजे रात गया था देखने के लिए वो मैच, और इतना जहन में था कि भाई हमें बड़े प्लेयर को देखना है, क्योंकि हम भी उस टाइम खेलते थे क्रिकेट। आज जो ये लोग यहाँ पर जो ये क्रिकेटर आ गए, आज हमारे नौजवान, ये भी जिस तरह से मैं भी उस टाइम एक्साइटेड हो गया कि मैं किस तरह से वहां से मुझे, आज हमारे जवान भी मेरे ख्याल में वहां पहुंच गए। मैं भी टिकट ढूंढना चाहता हूं आज का मैच देखने के लिए, क्योंकि आज क्रिस गेल आ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना एक्साइटेड हूं, मुझे कौन ले जाएगा स्टेडियम, मुझे कहां मिलेगा टिकट। मुझे वही बचपन याद आ गया जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज यहां कश्मीर खेलने के लिए आ गए। आज मैं वही परेशान में किस तरीके से जाऊंगा स्टेडियम, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ी गेम है, क्रिस गेल एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आप, क्योंकि मैंने खुद खेला, लास्ट टाइम मैं दिल्ली में वो ईपीसीएच का चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेला है, जहां कॉटनी वॉश हमको इनाम देने के लिए आ गए, ये लास्ट ईयर की बात है। यही एक अच्छा क्रिकेट और फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जो इंटरेस्ट है बच्चों को किस तरह से कि आप ये खेलेंगे, स्पोर्ट्स गेम खेलना जरूरी है। और ये भी आज हो गया अच्छा, क्योंकि आज क्रिस गेल का मैच है, तो काफी दूर रहेगा। और ड्रग्स के लिए तो काफी पुलिस का अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि वो बच्चों को संभालते हैं, बच्चों को ड्रग्स करने नहीं देते, ये तो जो मैंने देखा है कश्मीर में। बाकी रहा ये स्पोर्ट्स, जितने आजकल के बच्चे जाते हैं ना स्पोर्ट्स खेलने के लिए, और कोई भी क्रिकेट खेलने के, फुटबॉल खेलने के ज्यादा अहमियत है बनिस्बत जो हमारे वक्त में था, आज ज्यादा है। अच्छा है कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा।